हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले जानते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज है क्या। वॉल्यूम परसेंटेज को हम परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम भी बोलते हैं और इसको परसेंटेज वी बाय वी से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ml में लिया जाता है और वॉल्यूम परसेंट को डिनोट करते हैं परसेंटेज v बाय v से। इस डेफिनेशन का मतलब है 100 ml सॉल्यूशन में जितना ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है वो उस सॉल्यूट का परसेंटेज v बाय v कंसंट्रेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि टोटल 100 ml सॉल्यूशन में 70 ml इथेनॉल प्रेजेंट है तो इथेनॉल का कंसंट्रेशन होगा 70% v बाय v। इट मींस टोटल 100 ml सॉल्यूशन में 70 ml इथेनॉल है और 30 ml सॉल्वेंट का प्रेजेंट है। मान लो 500 ml का सॉल्यूशन है तो उसमें 100 पार्ट में कितना सॉल्यूट का प्रेजेंट है उतना ml उस सॉल्यूट का परसेंटेज b बाय v कंसंट्रेशन कहलाता है। वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज b बाय v इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। जनरली परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं जो दो लिक्विड को मिला के बनता है। मतलब अगर एक लिक्विड को जब दूसरे लिक्विड से डाइल्यूट करते हैं, जैसे इथेनॉल में वाटर ऐड कर दिए, तो उसके कंसंट्रेशन को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेशन को समझाने के लिए। हमने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया है हाउ टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 70% वी बाय वी। 70% वी बाय वी इथेनॉल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 70 ml इथेनॉल डिवाइडेड बाय 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब 70 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। परसेंटेज वी बाय वी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है 70%, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 70% वी बाय वी। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मीन्स वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल नहीं दिया है तो इसको कैलकुलेट करना है और उसको हमने x से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में दिया है जितना बनाना है वो है 200 ml, तो क्वेश्चन में दिया है 200 ml तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 200 ml। अब हम सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन इथेनॉल सॉल्यूशन का दिया है 70% जितना बनाना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 70 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है जिसको हम x से डिनोट किए थे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml है तो हम यहाँ पे 200 ml लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिए दो जीरो 100 के दो जीरो से कट जाएगा और 2 इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन x इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 140 ml। तो यहाँ पे x का मतलब है वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 140 ml। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना लगेगा मीन्स वाटर कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट माइनस करेंगे तो वाटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। टोटल वॉल्यूम है 200, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 140 ml, तो कैलकुलेट करने पे आएगा 60 ml। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 60 एंड वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 140 ml। इस रिजल्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मेजर 140 ml ऑफ इथेनॉल एंड देन मेक अप द वॉल्यूम अप टू 200 ml with water so that the final concentration of the solution ethanol solution will be 70% v by v। it means 70% v by v ethanol solution बनाने के लिए 140 ml ethanol को makeup करना होगा 200 ml तक के लिए। इस पूरे कैलकुलेशन के PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे Facebook ग्रुप सॉल्यूशन फार्मेसी में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी कैलकुलेशन को हम बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप इस कैलकुलेशन को बहुत ही इजीली समझ पाएं और कैलकुलेट कर पाएं। 70% वी बाय वी इथेनॉल सॉल्यूशन मतलब टोटल 100 ml सॉल्यूशन के लिए हमको 70 ml इथेनॉल को मेजर करना होगा। तो यहाँ पे लिख दिए 100 ml सॉल्यूशन 70 ml इथेनॉल, तो 1 ml इथेनॉल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको मेजर करना होगा 70 ml डिवाइडेड बाय 100।
इसलिए 200 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको मेजर करना होगा 70 ml डिवाइडेड बाय 100 और 200 से फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 का जीरो और 200 का जीरो कट होगा और वैल्यू आएगी 140 ml, मींस वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 140 ml। इट मींस 140 ml ऑफ इथेनॉल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml of ethanol solution of concentration 70% V by V। अब हमने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया है वॉल्यूम परसेंट को समझाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम व्हेन 50 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर ml व्हेन वाटर इज एडेड टू मेक अप द वॉल्यूम अप टू 0.5 लीटर। इस क्वेश्चन का मतलब है 0.5 लीटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है परसेंटेज वी बाय वी में, जब हम उसमें 50 ग्राम लिक्विड को ऐड करते हैं जिसकी डेंसिटी दी गई है 0.9 ग्राम पर एमएल। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज वी बाय वी का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 0.5 लीटर और इस 0.5 लीटर को हमको ml में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेते हैं। तो 0.5 लीटर को हम ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 500 ml। अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हम कैलकुलेट करना है तो हम x ले लेते हैं और वेट ऑफ सॉल्यूट मीन्स वेट ऑफ लिक्विड क्वेश्चन में दिया गया है 50 ग्राम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेट ऑफ लिक्विड मीन्स सॉल्यूट गिवन इज इक्वल्स टू 50 ग्राम। परसेंटेज वी बाई वी कैलकुलेट करने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए ml में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है ml में, यहाँ पे हमने xml डिनोट किया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 0.5 लीटर 500 ml। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 50 ग्राम को अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। ग्राम को ml में कन्वर्ट करने के लिए या ml को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मास डिनोट करता है वेट के लिए, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्वेश्चन में गिवन है 0.9 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा, मास यहाँ पे दिया गया है 50 ग्राम तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50 ग्राम और डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी लिक्विड का दिया गया है 0.9 ग्राम पर ml तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.9 ग्राम पर ml। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 55.6 ml, मीन्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैलकुलेट कर लिए हम इज इक्वल्स टू 55.6 ml। अब हम कंसंट्रेशन इन परसेंटेज वी बाय वी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन परसेंटेज वी बाय वी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंट कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमने कैलकुलेट किया था ml में वो है 55.6 ml, इसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वो है हमने कैलकुलेट किया था 500 ml और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 ml से, तो इसकी वैल्यू आएगी 11.12% वी बाय वी। इसको हम लिख सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी 11.12% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम व्हेन 50 ग्राम ऑफ लिक्विड इज एडेड टू द वाटर to make up the volume up to 0.5 liter or you can say 500 ml। इस पूरे कैलकुलेशन के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप सॉल्यूशन फार्मेसी में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल सॉल्यूशन। थैंक यू।